जब मुझे फोन आया दैट आई गॉट दिस रोल, मतलब मैं खुशी से पागल हो गई थी. आई एम लाइक रियली डिड आई अचीव दिस. सो आई वुड से दैट हंसल सर सॉ दैट हंगर, वो जो भूख होती है एक्टिंग की, वो उनको मुझ में देखा, ऐसा हंसल सर मुझे कह रहे थे. मतलब यही तो खूबी है हंसल सर की कि वो रिलेटेबल टॉपिक्स को पकड़ते हैं. आपने जैसे छोटी छोटी बातें पकड़ी, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये छोटी छोटी बातें पकड़ी, क्योंकि ये रियल लाइफ में होता है. और वो जो तन्मय का कैरेक्टर था जो आप बोल रहे हो, ईरा और तन्मय का कैरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो जज करना बहुत इजी होता है. टीटी हैज गिवन अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एन आर्टिस्ट दैट प्लेटफॉर्म कि जो आप बिग स्क्रीन में नहीं दिखा सकते हो. हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ क्लिक। आपका स्वागत है हमारे नए नवेले ताज़ा तरीन शो में जिसका नाम है एनसी हैंगआउट। एंड टुडे वी आर हैंगिंग आउट विद करिश्मा तन्ना। करिश्मा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वागत है आपका न्यूज़ क्लिक में। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? बड़ा एक तरह से क्रांतिकारी काम हो गया है स्कूप में। इट्स मेकिंग पीपल गो क्रेजी अबाउट इट। बहुत ज़्यादा तारीफें हो रही हैं। अनुराग कश्यप हैड रिटन अ लॉन्ग पोस्ट अबाउट इट। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा Oh, महसूस? I am on cloud nine, you know, with the kind of response हमें मिली है. Frankly, इतना response मिलेगा और इतना positive response मिला था, मैंने इतना expect नहीं किया था. But yes, अनुराग कश्यप, निखिल अडवाणी, there are so many people from the industry जिनसे हमें compliments मिले हैं, and I'm very very happy that people have kind of liked my performance. एंड जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं फ्रॉम द फिल्म फ्रटर्निटी, फ्रॉम टेलीविजन फ्रटर्निटी, फ्रॉम माई फ्रेंड्स, रिलेटिव, एवरीबडी, यू नो, माई मॉम, माई कजिन, एवरीबडी, आई एम सो ओवरवेल्ड, आई एम सो हैप्पी विद द रिस्पॉन्स. हमने हंसल से बात की थी एंड ही वॉज रियली हैप्पी। बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी कि बहुत अच्छा आपने काम किया है। तो हाउ वॉज इट वर्किंग विद हंसल स्कूप में, अगर आप बता सकें? मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानूंगी कि मैंने इतना अच्छा शो नेटफ्लिक्स के लिए और हंसल मेहता सर के लिए किया है. ये जो कॉम्बिनेशन है, ये भी पहली बार हुआ है, नेटफ्लिक्स एंड हंसल मेहता, यू नो, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. एंड मैंने उसमें काम किया है और मुझे वो मौका मिला. इतना ये जो स्टोरी है, इट्स लाइक अ वेरी वुमेन सेंट्रिक, वुमेन, एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी है. तो मैं, मतलब आई थिंक दिस इज अ ड्रीम रोल फॉर मी. इट्स लाइक भगवान की एक ब्लेसिंग थी और वो मेरे झोले में गिर गई. एंड मैंने कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट 100% दूँ, एंड 100 या 200% दूँ. एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को पसंद आया. वी रियली लाइक इट। बहुत ही अच्छा था। बहुत ही, मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे ऑफिस में भी और जितने भी मैं जानता हूँ जितने लोगों को, सब बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं अबाउट योर कैरेक्टर। इट वॉज वेरी गुड। इफ़ वी टॉक अबाउट, आपने टीवी से शुरू किया था एंड इट्स बीन अ वाइल व्हेन यू आर वर्किंग इन टीवी, और उसके बाद यू केम टू मूवीज। हश हश में आपने काम किया था एंड देन यू डिड एन एपिसोड आई थिंक इन गिल्टी माइंड्स ऑल्सो। तो टीवी से OTT की तरफ आने में या फिल्मों की तरफ आने में कैसा था प्रोसेस, और वॉज इट हार्ड? वर पीपल वेरी वेलकमिंग? किस तरीके से आपने मैनेज किया? जिनको जिनको मेरे पे भरोसा था और वो विजन था, उन्होंने मुझे मौका दिया काम करने के लिए. ऑफ कोर्स टेलीविजन इंडस्ट्री से मैं हूँ, तो थोड़ा सा स्ट्रगल था, थोड़ा सा एक स्लो प्रोसेस था, बिकॉज ठीक है, मतलब दे फील के एक टेलीविजन एक्टर टाइप कास्ट हो जाता है अगर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एक टेलीविजन एक्टर पे, तो वो जो रोज हम लोग देखते हैं टीवी पे, तो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत हो जाता है. मुझे वो चैलेंज नहीं करना है उनका थॉट प्रोसेस, बट ये कहना चाहूंगी मेरे एक्सपीरियंस से कि हाँ, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत आता है फॉर श्योर. बट एज आई सेड, जिसको जिसको विजन है, लाइक हश हश व्हेन आई डिड, तनुजा चंद्रा डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम दैट आई कम फ्रॉम टीवी. उन्होंने इनफैक्ट संजू देखा था और मुझे कास्ट किया था. सिमिलरली गिल्टी माइंड्स में दे वॉन्टेड समवन फेमस टू बी टू टू प्ले अ फीमेल हीरोइन ऑफ द शो. तो वो एक कैरेक्टर में मैं ढल रही थी, वो एक कैरेक्टर में मैं फिट हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे कास्ट किया. बट आई फील
maybe you know they also felt that I have that potential in me कि मैं OTT या तो films में काम कर सकती हूँ, इसलिए वो casting हुई थी. And when it comes to उसमें तो हंसल, मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स हंसल सर ने मुझे कास्ट किया है. मतलब कोई बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जागृति पाठक के रोल में करिश्मा तन्ना को नहीं देख पा रहे, बट हंसल सर ने जब मेरा ऑडिशन देखा तो हंसल सर वो वेरी क्लियर कि मुझे वो और मुकेश छाबरा दोनों, वो दोनों बहुत क्लियर थे कि वी सी करिश्मा यू नो इन द रोल. सो आई वुड से कि मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मुझे लाइफ टाइम ऑफ अ रोल प्ले करने का मौका मिला. क्या किया था ऑडिशन में आपने, इफ यू रिमेम्बर? या मेरे को दो सीन्स दिए थे, जहाँ एक था मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, थोड़ा सा गुजराती और थोड़ा सा हिंदी. एंड बहुत क्लियर मुझे बोला गया था ज्यादातर गुजराती यूज करना. मतलब ऑफकोर्स वो फाइनल डायलॉग्स नहीं थे, पर वो देखना था कि मैं कितनी कंफर्टेबल हूँ अपने मदर टंग में. और एक सीन था जहां मैं अपने सोर्स के साथ बात कर रही हूँ कि भाई मुझे जो भी है, मुझे अगर पुलिस से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे, मुझे इंटरव्यू लेना है. तो ऑल दीज थिंग्स, तो उसमें से मुझे काफी समझ में आ गया था कैरेक्टर क्या है. पर जब मैंने ऑडिशन खत्म किया उसके बाद मुझे पता चला मुकेश छाबरा की टीम से कि इट्स फॉर हंसल मेहता एंड इट्स फॉर नेटफ्लिक्स. दिस रोल इज अ रियल रोल, यू नो इट्स बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी. तो तब जाके मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई. यू नो मैं ऐसे प्रे करने लगी कि यू नो आई शुड गेट दिस रोल एनी हाउ. एंड जब मुझे फोन आया दैट आई गॉट दिस रोल, मतलब मैं खुशी से पागल हो गई थी. आई एम लाइक रियली डिड आई अचीव दिस. सो आई वुड से दैट हंसल सर सॉ दैट हंगर, वो जो भूख होती है एक्टिंग की, वो उनको मुझ में देखा. ऐसा हंसल सर मुझे कह रहे थे. एंड आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट कि सर को वो जो एक जज्बा है मेरे में, वो एक पैशन है, वो जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और वो जो भूख है टू शो द इंडस्ट्री के यू नो आई हैव द टैलेंट इफ यू गिव मी द चांस, वो एक उनको देखा और दैट्स व्हाई ही कास्टेड मी. ऑल्सो माय गुजराती वर्क्ड वेरी वेल. या अगर हम जिग्ना वोरा की बात करें, डिड यू गेट टू मीट हर जब आप प्रेप कर रहे थे इसके लिए? और जिग्ना की किताब आपने पढ़ी थी, उनकी लाइफ के बारे में आपने उनसे कुछ बात की? नहीं, मैं जिग्ना की किताब नहीं पढ़ी है. और मतलब जो ये शो है वो लूजली इंस्पायर्ड बेस्ड है फ्रॉम हर बुक, बिकॉज जिग्ना की जो बुक में है वो उन्होंने चैप्टर स्टार्ट ही किया जेल से. और यहाँ फोर्थ एपिसोड में जेल आता है. तो जो पहले के जो सीन्स है वो प्रिल्यूड है कि भाई कैसे ये सिचुएशन में जागृति कैसे था. एग्जैक्टली, ऑफकोर्स काफी ड्रामेटाइज और फिक्शनलाइज भी किया था हमने शो के हिसाब से. एंड मतलब कुछ प्रेपिंग के वक्त भी सर वॉज वेरी क्लियर कि आप अपना कैरेक्टर खुद बनाइए, आप स्क्रिप्ट लीजिए और ये स्क्रिप्ट है और आप देखिए आपको क्या ग्राफ कहाँ लेकर जाना है. तो ही वॉज वेरी क्लियर दैट आई डोंट वॉन्ट यू टू प्ले जिग्ना, आई वॉन्ट यू टू प्ले जागृति पाठक. और आप अपना कैरेक्टर सोचिए, आप अपना कैरेक्टर ग्राफ सोचिए एंड पेंट इट द वे यू वॉन्ट टू. अब करिश्मा, इसमें पूरे शो में मीडिया की ही बात है, और अगर हम आज के इंडियन मीडिया की अगर हम बात करें, और आप जिस इंडस्ट्री से आती हैं वहाँ पर मीडिया की तरफ से या तो लाइज हैं, रूमर्स हैं, प्राइवेसी का ब्रीच है, कैरेक्टर असैसिनेशन है, हमने कई सारे एक्टर्स के साथ होते हुए देखा है. अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, कभी रूमर्स फैल जाते हैं, कभी पेपराजी तंग करते हैं, तो हाउ डू यू टेक इट वन? और दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि मीडिया और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उनका कहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होती है, अगर वो कोई लाइन है तो? आई थिंक प्राइवेसी में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, बट उस वक्त थोड़ा सा वो हर्ट फीलिंग होती है कि अरे यार ये गलत है, क्यों ब्रीच किया प्राइवेसी को एंड ऑल दैट. सो वहाँ आई थिंक एक लाइन ड्रॉ करे तो यू नो एक एक्टर या कोई भी एक इंसान कंफर्टेबल फील होता है. बट देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड मीडिया का ये जॉब ही है ऐसा करना, यू नो दे आर ऑल्सो डूइंग देयर जॉब्स. सो देन इट्स अ वेरी डिबेटेबल कॉन्वर्जेशन. बट या आई मीन आई डोंट लाइक एनीबडी इन्वेडिंग ब्रीचिंग द प्राइवेसी, वो टॉपिक से मुझे तकलीफ है. तो अभी आप
आगे बढ़ अगर जब आप बढ़ रही हैं तो क्या मूवीज और ओटीटी में ही काम करना है या टीवी की तरफ कुछ आपके पास काम है या टीवी में आपको जाना है एंड हाउ डू यू सी द डिफरेंस, आपको क्या बेहतर लगता है क्या खराब लगता है, कुछ अगर इस पॉइंट्स पे हम बात कर सकें। टीवी से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है, मतलब जो एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए डायलॉग डिलीवरी में या एक सेंस होता है कैमरा कहाँ है तो वो सब मुझे टीवी से सीखने मिला है, मैंने एक्सपीरियंस काफी लिया है टीवी में। नॉट दैट मैंने बहुत टेलीविजन शोज किए हैं फॉर से लाइक सास बहू ड्रामा मैंने किया नहीं है, अगर आप देखो तो मैंने छोटे छोटे किरदार निभाए और मैं निकल गई हूँ क्योंकि मैं एक कंटिन्यूस कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकती हूँ जहाँ मुझे एंड नहीं पता है शो का। स्टार्ट तो कर लेते हैं टेलीविजन एक्टर्स पर एंड कहाँ है, तो जब तक मुझे एंड समझ में नहीं आता कि रोल का एंड कहाँ है, मैं वो साल दो साल तीन साल सेम कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकती और ना ही आपने मुझे देखा है कभी टेलीविजन पे कि तीन तीन साल तक करिश्मा ने ये शो किया है। आई हैव डन मोर ऑफ रियलिटी शोज, तो उसमें नॉलेज उसमें एक्सपीरियंस लेके शो से आउट, इट्स एन इन एंड आउट 3 month प्रोसेस और आप बाहर निकल जाते हो शो से, तो वो एक डिफरेंट है, वो एक्सपीरियंस डिफरेंट है। एंड व्हेन यू कम टू ओटीटी, ओटीटी हैज गिवन अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड एन आर्टिस्ट दैट प्लेटफॉर्म कि जो आप बिग स्क्रीन में नहीं दिखा सकते हो या तो जो बिग स्क्रीन पे अफोर्डेबल नहीं है वो आप ओटीटी पे कर सकते हो विथ ब्रिलियंट स्टोरीज ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले एंड सेम ट्रीटमेंट एज फिल्म्स, तो हमारे जैसे एक्टर्स जो टीवी से निकलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, टीवी से एक्सपीरियंस लिया, अब बहुत सारे लोग टीवी में ही खुश है विच इज वेरी वेरी गुड, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसे हैं जो टीवी का एक्सपीरियंस ले लिया अब क्या, तो आई वॉज ऑलवेज हंगरी फॉर मोर, तो टीवी कर लिया अब आगे बढ़ना है तो अब क्या, फिल्म में कोशिश की स्ट्रगल था, तो वो बीच में आया ओटीटी प्लेटफॉर्म जहां मेरे जैसे एक्टर्स के लिए इट वर्क ब्यूटिफुली क्योंकि मुझे शोकेस करना था अपना टैलेंट वरना मैं कहाँ करती, मेरे लिए टीवी में अभी कुछ रहा बचा ही नहीं था, मैंने सारे रियलिटी शोज कर लिए थे, मैंने सब कुछ कर लिया जो मुझे करना था, मैंने नॉलेज गेन कर लिया एक्सपीरियंस गेन कर लिया, अब ओटीटी में जब मैं आई तब मुझे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करने को मिला, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिले, फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला, फिल्म स्क्रीन प्ले राइटर्स के साथ काम करने को मिला, सो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, सो आई एम वेरी हैप्पी हूएवर थॉट ऑफ दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म, थैंक यू। तो हम स्कूप की अगर बात करें, आपने शुरू में कहा कि काफ़ी ज़्यादा फीमेल सेंट्रिक शो है, तो फीमेल सेंट्रिक शोज़ की ज़रूरत और उनका ज़्यादातर आना ओटीटी से थोड़ा सा मुमकिन हो पाया, हमने दहाड़ अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था उसको हमने देखा, या हश हश भी था जिसमें कई सारे फीमेल लीड्स ही थे, स्कूप में भी ऐसी है, तो वाई डू यू थिंक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और अगर स्पेसिफिकली स्कूप की बात करें तो वो जो जेंडर नुआंसेस पकड़े हैं हंसल मेहता ने, तो वो जो कई सारी चीज़ें हैं जो किसी के घर में चल रहा है, वो जो आपका एक कलीग था उसकी वाइफ के साथ भी कुछ हो रहा है, तो वो जागृति को तो कह रहा है कि भाई इसने कुछ कर दिया होगा, लेकिन अपनी पत्नी को कहने के लिए राजी नहीं है वो, लेकिन लास्टली वो कह देता है, तो ये वाले जो न्यूआंसेस हैं उसके बारे में अगर आप बात कर सकें। मतलब यही तो खूबी है हंसल सर की कि वो रिलेटेबल टॉपिक्स को पकड़ते हैं, आपने जैसे छोटी छोटी बातें पकड़ी, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये छोटी छोटी बातें पकड़ी क्योंकि ये रियल लाइफ में होता है, और वो जो तन्मय का कैरेक्टर था जो आप बोल रहे हो ईरा और तन्मय का कैरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते तो जज करना बहुत ईजी होता है कि हाँ यार ठीक है, मतलब ये बटरिंग करके ही ऊपर आई है, इसने कुछ ना कुछ किया होगा तो ही वो ऊपर आई है, पर आप ये नहीं मान सकते हो कि लड़की में टैलेंट है, लड़की में वो हंगर है, वो भूख है टू ग्रो, तो उस टैलेंट से भी वो आगे बढ़ी होगी, जब वो रियल लाइफ में अपनी वाइफ के साथ होता है तब पता चलता है कि भाई जब जज करते हो तो ये हासिल होगा अपनी वाइफ से, तो वो एक एंगल बहुत इम्पोर्टेंट था शो में ताकि समझ में आए दो पहलू, एक रियल लाइफ में और एक रियल लाइफ में, तो बहुत छोटी छोटी बारीकियां सर ने पकड़ी है, जैसे कि जीशान के डायलॉग्स है जर्नलिज्म के ऊपर, वो आई ओपनर है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, मेरा जो कैरेक्टर है इतनी एम्बिशियस लड़की है जो हमेशा फ्रंट पेज के लिए हंग्री रहती है, एंड शी हैज सो मेनी ड्रीम्स, उसके बच्चे के लिए ड्रीम्स है, एडुकेशन के लिए ड्रीम्स है, अच्छा घर लेना है, टॉप पे रहना, ये सब ड्रीम्स एक नॉर्मल आम लड़की की कहानी है, तो सर ने एक ऐसी कहानी पकड़ी है जो हर आम लड़की एंड नॉर्मल लड़की कनेक्ट कर पाएगी, रिलेट कर पाएगी कि ये स्टोरी जो है उसमें बुरा क्या है, अगर एक लड़की
आगे बढ़ना चाहती है, हाउ इज शी अ थ्रेट, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग इट एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग वाओ यार, आप जज करते हो उस कैरेक्टर को. आप रियल लाइफ में भी यही होता है. तो दैट्स द स्टोरी अबाउट दैट एवरी गर्ल एंड एवरी मैन विल कनेक्ट एंड रिलेट टू दिस कैरेक्टर. के आपको जहां इतना बढ़ रहे हो, समाज आपको ही नीचे गिराता है क्योंकि सब जेलसी है, सबके साथ इनसिक्योरिटी है, यू नो. आपकी इंडस्ट्री में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करने को मिलता है या चीजें थोड़ी सी ठीक हो रही हैं या फिर अभी भी हाल वैसा ही है? मुझे नहीं लगता कि मुझे विमेन या लड़की होने के इस पे मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है. मैंने कभी कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं की कि मैं एक लड़की हूँ तो हाँ ठीक है, मतलब आगे बढ़ नहीं सकती हो, ऐसा कुछ नहीं था. मेरे में टैलेंट है, वो टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाता तो मैं भी दिखा देती. हाँ थोड़ा सा टैलेंट दिखाने का मौका थोड़ा स्लो था बट अच्छा था. लाइक आई एम हैप्पी विथ हाउ माई करियर हैज शेप्ड अप. बट वो एक भूख थी कि एक एक्टिंग दिखाना है. जब करिश्मा तन्ना की कोई बात करता है तो बोलते हैं कि हाँ वी नो हर या शी इज इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट एक्टिंग के बारे में कोई बात नहीं करता था मेरे प्रति. तो वो एक अब अच्छा लगता है कि अब मुझे वो फाइनली मौका मिला है जहां लोग मुझे समझ पाए एज एन एक्टर. उसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कोई प्रॉब्लम फेस की है इस इंडस्ट्री में. तो लास्टली बस यही जानना चाहेंगे कि आगे चलकर क्या काम हमको करिश्मा तन्ना की तरफ से देखने को मिलेगा और अभी तो फिलहाल फील कर रही हूँ. और अब जो भी काम आगे आप देखोगे वो ऐसा ही धमाकेदार होगा, ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इंटेंस होगा. एंड मैं अपने फैंस को ऐसे ही हमेशा खुश रखना चाहूंगी. सो यस, आई मीन समथिंग व्हिच इज एज चैलेंजिंग एज कूल. थैंक यू सो मच करिश्मा, ये न्यूज़ क्लिक पर आपने हमसे बात की थी. थैंक यू सो मच. बाय.